जय भीम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इस चीज को बताने जा रहे हैं कि जो वेदों का निर्माण है वो किसी भगवान ने, किसी सुपर नेचुरल पावर ने, या वो बिल्कुल कहीं बिल्कुल आउट ऑफ नथिंग, एक्स इन हिलो, बिल्कुल शून्य में से आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको मनुष्य ने लिखा है, मनुष्य द्वारा ही वो लिखे गए हैं। इस चीज को आज हम बताएंगे। इसके लिए हम चलते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की बुक रिडल्स इन हिंदुइज्म के अपेंडिक्स नंबर 1 के अंदर, जो कि है द रिडल ऑफ द वेदास। तो हम खोलते हैं अपेंडिक्स नंबर 1 द रिडल ऑफ द वेदास को, और हम चलते हैं उस पर्टिकुलर पैरा में जहां पर बाबा साहब ने इस चीज को बताया है। तो आ गए हम उस पर्टिकुलर पैरा के अंदर जहां पर बाबा साहब ने इस चीज को बताया है। तो बाबा साहब कहते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द वेदास, वेदास का जो ऑथर है, लेखक है, वो कौन है। द बिलीफ ऑफ द हिंदू इज दैट द वेदास आर सुपर नेचुरल प्रोडक्शन, टू यूज द टेक्निकल टर्म्स, द वेदास आर अपरिश्य, दैट इज मेड बाई ए नॉन ह्यूमन एजेंसी। मतलब हिंदुओं का मानना है कि जो वेद है वो मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है। वट इज द एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ दिस डॉगमा अमंग द एंशियंट संस्कृत लिटरेचर। तो आगे बाबा साहब कहते हैं कि एंशियंट संस्कृत लिटरेचर के अंदर एक क्लास ऑफ वर्क्स कॉल्ड अनुक्रमणिकास, अनुक्रमणिज, अनुक्रमणिज, दी आर सिस्टमेटिक इंडेसिस टू वेरियस पोर्शंस ऑफ द एंशियंट वेदिक लिटरेचर। एवरी वेदा हैज एन अनुक्रमणी, समटाइम्स मोर देन वन अनुक्रमणी, 7 अनुक्रमणिज फॉर द ऋग्वेदा आर नॉन टू बी इन एग्जिस्टेंस, 5 बाई शोनका, 1 बाई कटयाना एंड 1 बाई अननोन ऑथर। तो कहने का मतलब यह है कि जो एंशियंट संस्कृत लिटरेचर के अंदर जब भी कोई किताब लिखी जाती थी, और वो आजकल अभी भी होता है, क्योंकि कोई किताब होती है तो ऑब्वियसली उसका इंडेक्स तो होता ही है, जिसमें शुरुआत में उनके सारे चैप्टर्स के नाम होते हैं, ठीक है। तो उसको संस्कृत में बोलते हैं अनुक्रमणिका, ठीक है, अनुक्रमणिका, जिसमें जो भी उस बुक के अंदर है चैप्टर्स है उनके बारे में बता दिया जाता है उस अनुक्रमणिका के अंदर, उस इंडेक्स के अंदर। यहां ये जो अनुक्रमणिका वर्ड है, दिस वर्ड स्टैंड्स फॉर इंडेक्स। आज हम इसको समझ सकते हैं कि इंडेक्स किसी भी किताब का इंडेक्स है, जो कि शुरू शुरू में होता है, जो सारी किताब के चैप्टर्स के पेज नंबर और सब कुछ राइटर्स वाइटर्स उनके नाम बताता है। तो ये चीज है। तो अब हर वेदा का एक अनुक्रमणी है, हर वेदा की एक इंडेक्स है, और ऋग्वेदा के तो 7 इंडेक्स हैं, जो कि 5 सनुका ने लिखे हैं, 1 कटियाना ने लिखे हैं, और 1 किसी अननोन ऑथर ने लिखे हैं, और यजुर्वेद के 3 अनुक्रमणियाँ इंडेक्स हैं, ठीक है। जो एक एक करके शक्याज, अथ्रेय, चरणेज नाम के इन्होंने ब्राह्मणों इन्होंने लिखा है। फॉर द सामवेदा देर आर 2 अनुक्रमणास, सामवेद के लिए 2 इंडेक्स है, एक को बोलते हैं अरेश्य ब्राह्मण एंड अदर इज नोन बाई नेम परिशिष्टास। 1 अनुक्रमणी टू द अथर्ववेदा इज नोन टू एग्जिस्ट, इट्स टाइटल इज बृहत सर्वमणि। तो इस तरह से जो भी वेद हैं सारे अपने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, सबकी अनुक्रमणिकास हैं, और उन सब अनुक्रमणिकास के अंदर, उनके अंदर ऑथर्स के नाम, लेखकों के नाम, कि किसने लिखा है, उसके नाम भी बताए गए हैं। द मोस्ट परफेक्ट अनुक्रमणी अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर मैक्स मुलर इज कटियाना सवर्कुंडमणि टू द ऋग्वेदा। ऋग्वेद की, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मैक्स मुलर, जो ऋग्वेद की अनुक्रमणिका है, इंडेक्स है, जो कि कटियाना नाम के मनुष्य ने लिखी थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। इट्स इंपॉर्टेंस लाइज इन द फैक्ट दैट इट गिव्स, और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये लाइज इन द फैक्ट दैट इट गिव्स द फर्स्ट वर्ड्स ऑफ ईच हाइमन। मतलब जैसे वो बुक लिखी हुई है ऋग्वेद, उसमें हाइमंस हैं, ठीक है, तो अब अगर उसका इंडेक्स, उसका अनुक्रमणिका, जो कि कटियाना नाम के व्यक्ति, जो कि ऑब्वियसली ब्राह्मण ही है, उसने लिखी होगी, तो उसने इंडेक्स में हर हाइमन के फर्स्ट वर्ड्स को बताया है, साथ में द नंबर ऑफ वर्सेस, नंबर ऑफ वर्सेस, वर्सेस नंबर ऑफ वर्सेस, मतलब उसमें लाइंस कितनी है हाइमन के अंदर, वो बताया है। द नेम एंड द फैमिली ऑफ द ऋषि हु कंपोज्ड इट, ये मेन पॉइंट है यहां पर, कि साथ में जो ऋग्वेद के अंदर वो वर्सेस हैं, उस पर्टिकुलर वर्सेस को
कौन सी ऋषि ने, किस फैमिली की ऋषि ने उसका नाम पूरी डिटेल्स बताई है. ओके, द नेम्स ऑफ द डिटीज द मीटर्स ऑफ एवरी वर्स, किस नेम्स ऑफ डिटीज किस देवी देवता के लिए वो वर्स लिखी गई है और मीटर हर वर्स का मीटर. तो यहां पर जो ये पॉइंट है, द नेम एंड द फैमिली ऑफ द ऋषि हु कंपोज्ड इट, मतलब उस इंडेक्स में हर वर्स को कौन से ऋषि ने लिखा है उसका नाम और उसकी फैमिली के बारे में बताया है. तो इससे ये बात कंप्लीटली क्लियर हो जाती है कि जो वेद है वो ऋषि यानी मनुष्य द्वारा लिखे गए हैं. व्हाट इमर्जेंस फ्रॉम अ रेफरेंस टू द सर्वकर्मणि इज दैट द ऋषिज आर द ऑथर्स ऑफ द हेमंस विच मेक अप द ऋग्वेदा. तो इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि जो ऋषिज हैं वो हेमंस ऋग्वेदा के ऑथर्स हैं. द ऋग्वेदा देयरफॉर ऑन द एविडेंस ऑफ द अनुक्रमणि कैन नॉट बी रिगार्डेड एज कैन नॉट बट बी रिगार्डेड एज ए मैन मेड वर्क. The same must be the conclusion regarding the other. और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो ऋग्वेद है वो कोई supernatural power नहीं बल्कि man-made work है, मनुष्य द्वारा निर्मित है. और इसी तरह से हम और वेदों के बारे में कह सकते हैं कि वो जो और वेद हैं वो भी मनुष्य द्वारा ही निर्मित है. तो इस तरह से ये conclusion निकलता है, बिल्कुल लॉजिकली ये कंक्लूजन निकलता है कि जो ये वेद हैं वो मनुष्य द्वारा निर्मित है, वो ऋषियों द्वारा निर्मित है. यानी हिंदुओं का ये सोचना कि जो वेद है वो सनातन है, वेद है उनको तो अपौरुषीय है, किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है, सुपर नेचुरल पावर ने लिखा है, इस तरह की बातें वो सब बकवास है. फैक्ट ऑन द ग्राउंड ये है कि उनको ऋषियों ने लिखा है, जो कि साफ हो जाता है इस लॉजिक से. Thanks for watching the video. Jai Bhim.